शारदा संगीत कला केंद्र के ऑनलाइन टीचिंग में मैं केशव तलेगांवकर उन्हें सभी जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम संगीत के शास्त्र पक्ष को समझने का प्रयास कर रहे हैं, राग के विषय में हमने जानने का प्रयास किया, जातियों के विषय में जानने का प्रयास किया, उसी प्रकार राग की मौलिक विशेषता के आधार पर राग के गायन समय का निर्धारण किया जाता है। हमारे यहाँ भारतीय शास्त्रीय संगीत में समय को प्रहर के विधि से बांटा गया। प्रहर यानी तीन तीन घंटे का एक प्रहर बनाया गया। हमारे दिन के दो हिस्से होते हैं, 24 घंटे के, दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक और रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। इसी में 24 घंटे में तीन तीन घंटों का ये प्रहर का वर्गीकरण किया गया। अब समझिए, तीन तीन घंटे का वर्गीकरण, अब प्रातःकाल का वर्गीकरण, सवेरे 7 से 10 प्रथम प्रहर, 10 से 1 दिन का द्वितीय प्रहर और 1 से 4 दिन का तीसरा प्रहर। इसके पश्चात 4 से लेकर 7 का समय ऐसा होता है जब सूर्य छुपता है और रात्रि का आगमन होता है। ऐसे दो समय को मिलने को हम संधि के नाम से, संधि प्रकाश के नाम से जानते हैं। मैं सूक्ष्म में आपको शास्त्र की जानकारी दे रहा हूँ। इसके बाद पुनः रात्रि का प्रथम प्रहर 7 से 10, फिर द्वितीय प्रहर 10 से 1 और रात्रि का फिर तीसरा प्रहर 1 से 4। 4 के पश्चात फिर सवेरे का समय जो आता है जब रात्रि अवसान होती है और दिन का उदय होता है, यानी सूर्य उदय होता है, तो ऐसे समय को 4 से 7 के बीच का समय पुनः प्रातःकालीन संधि के नाम से जाना जाता है। संधि प्रकाश दो प्रकार, दो समय आते हैं, सवेरे 4 से 7 और शाम को 4 से 7। तो सवेरे के 4 से 7 आने वाले प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग और शाम को 4 से 7 के बीच में गाए जाने वाले रागों को सायंकालीन संधि प्रकाश राग कहा गया है। इसी के आधार पर रागों का वर्गीकरण हम करते हैं, जिससे राग का समय निर्धारित किया जाता है और इस निर्धारण के अनुसार राग को समझने में हमें आसानी और सहजता होती है। यही हमारे भारतीय संगीत की मूल अवधारणा है और भारतीय संगीत की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि राग को हम समय के अनुसार गाने का प्रयास करते हैं। राग का समय निर्धारण, रात्रि का प्रथम प्रहर, इसमें जैसे राग कल्याण, बहुत से लोग इसको ईमन, एमन, यमन के नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे विचार से यह मध्यकालीन अवधारणा है। हमारे यहाँ दक्षिणी संगीत में भी इसको कल्याण या कल्याणी के नाम से पुकारा गया है, बताया गया है, इसलिए मैं इसको कल्याण कहना ज़्यादा उचित समझता हूँ। रात्रि के प्रथम प्रहर में गाए जाने वाले रागों में कल्याण, हमीर, कामोद, केदार, बिहाग, इस प्रकार के राग हैं। 10 बजे के बाद राग गाए जाने वाले रागों में बागेश्री, मालकोंस इत्यादि, उसके पश्चात गाए जाने वाले रागों में दरबारी, अड़ाना, सोहनी, इस प्रकार के राग गाए जाते हैं। प्रातःकालीन संधि प्रकाश में जोगिया, बैरागी, फिर जो भैरव, इसके बाद फिर शुद्ध स्वरों के राग बिलावल, उसके बाद आगे चले तो भैरव के प्रकार, उसके बाद सारंग के प्रकार
उसके बाद काफी और आशावरी थाट के राग। इस प्रकार से राग के समय का संयोजन करने का विद्वानों ने प्रयास किया है और यही हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की मौलिकता है, यही उसकी विशेषता है जिसके माध्यम से हम राग के गुण को समझ पाते हैं, जिससे राग हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में सक्षम होता है। एक बार पुनः आपको सबको धन्यवाद।